नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। सुकेश चंद्रशेखर जेल में 200 करोड़ के वसूली के केस में बंद है। दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को मकोका लगाया था सुकेश और उसकी पत्नी लीना पर 200 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पॉल ने कथित तौर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ ठगी करने में चंद्रशेखर की मदद की थी। सुकेश कुछ समय में ही करोड़पति बन गया, बॉलीवुड की हीरोइनों से भी कनेक्शन हो गए, लेकिन 200 करोड़ की ठगी को कैसे अंजाम दिया गया ये और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। सुकेश चंद्रशेखर को पहली बार साल 2007 में गिरफ्तार किया गया था, तब इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसने कथित तौर पर एक व्यापारी के साथ 1.05 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। 3 साल बाद इसने लीना पॉल से मुलाकात हुई और 5 साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। सुकेश ने पुलिस को बताया है कि मुझे लीना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पैसों की सख्त जरूरत थी। शुरुआती दौर के बाद लीना भी इसमें शामिल हो गई और मदद करने लगी। सुकेश पहली बार तिहाड़ जेल में शिविंदर सिंह से मिले, यहीं से इस धोखाधड़ी की शुरुआत हुई। सुकेश ने जमानत दिलाने की बात कहते हुए सिंह के परिवार को ठगने की योजना बनाई। सुकेश चंद्रशेखर ने कथित तौर पर एक आईफोन और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए 4 ऐप के जरिए 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने बताया कि जब सुकेश को लगा कि अदिति उसके जाल में फंस गई है तो उसने पार्टी फंड के नाम पर पैसे की डिमांड की। फिर उसने 19 अगस्त को तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के घर से कॉल करने का नाटक करने के लिए उसी स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने अगले दिन अदिति को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से कॉल आया और उन्हें कहा गया कि गृह मंत्री भी आपकी बातें सुन रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि यह सब उस शख्स ने किया जो केवल 12वीं पास है, लेकिन तकनीक पर बहुत अच्छी पकड़ थी। पुष्ट के इस्तेमाल से सुकेश ने 2 वर्चुअल नंबर भी बनाए, एक व्हाट्सएप और दूसरा टेलीग्राम के लिए। इनका इस्तेमाल अदिति और उनके सहयोगियों से पैसे लेने के लिए किया जाता था। जून 2020 और अगस्त 2021 के बीच सुकेश चंद्रशेखर ने 201.75 करोड़ रुपए की उगाही की। इसी तरह से बड़े बड़े नेताओं के नाम पर सुकेश चंद्रशेखर पैसे मांगता रहा और करोड़पति बनता रहा। इस मामले में बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।